मसूरी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी स्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाया गया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मसूरी के गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने ध्वजारोहण किया, साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। अनुज गुप्ता ने टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी शहादत की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अनुज गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में पर्यटन नगरी अपने नए स्वरूप में नजर आएगी। स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश करने पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सर्वप्रथम तो मैं शहीदों को नमन करता हूं जिनके बलिदान और प्राण न्योछावर करने के कारण हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं और उसके पश्चात मैं अपने वीर जवानों को नमन करता हूं जो सीमाओं पर रात दिन पहरा देकर हमारी सुरक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं। देखिए, सबसे पहले इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं सभी देशवासी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस अवसर पर हमने जो शहर के हमारे अनमोल रतन थे जिनकी भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में रहती है, चाहे वो खेल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया और भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे और मंचासीन जितने भी यहाँ पर आए हुए अतिथि थे उन सबका सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।